हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे दो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, बीजापुर और यहाँ पर आपके जो दुर्ग है उसमें नेशनल स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बीजापुर की वेबसाइट पे आ जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा और यहाँ पे लगभग 28 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं, यहाँ पे देखेंगे स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं टोटल 28, और ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए 16 है, देन उसके बाद एससी के लिए 2 है, जनरल के लिए 6 स्टाफ नर्स की ये वैकेंसी है। उसी तरीके से लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 2 पोस्ट हैं, डेंटल असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। देन उसके बाद आप लोग आएंगे नीचे देखेंगे, फार्मेस्ट के 4 पोस्ट हैं, काउंसलर के 4 पोस्ट हैं, काउंसलर ब्लड बैंक के 1 पोस्ट हैं, देन इन सपोर्ट स्टाफ के 8 पोस्ट हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे देख सकते हैं डीओ जनरल सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पोस्ट हैं। उसी तरीके से यहाँ पर और भी हैं जो एक एक पोस्ट है। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो मांगी गई है यहाँ पर देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग मांगा गया है स्टाफ नर्स के लिए, लेबोरेटरी के लिए डीएमएलटी बीएमएलटी मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड डेंटल आपके असिस्टेंट के लिए, देन उसके बाद फार्मेस्ट की पोस्ट है, देन काउंसलर की पोस्ट में पीजी या पीजी डिग्री में साइकोलॉजी मांगा गया है, या एजुकेशन मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस मांगा गया है। उसी तरीके से काउंसलर ब्लड बैंक में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट और डिसेबल कंप्यूटर के एप्लीकेशन यहाँ पे मांगा गया है। उसी तरीके से यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है, जैसे ब्लॉक मैनेजर के लिए एमबीए मांगा गया है, डीओ सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट और 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर में। और इसी तरीके से सारी ही वैकेंसीज के लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, जो इसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है उसको पूरा भर कर आपको 13/10/2021 तक पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर में आपको भेजना है, या स्वयं उपस्थित होकर भी आप कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे पे आएंगे तो देखेंगे आप लोग एप्लीकेशन का फॉर्मेट, और यहाँ पे नियम कुछ शर्तें लिखी हुई है, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आपका चयन होगा, उसके बाद देख सकते हैं चयन किस प्रकार से होगा। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का 65% देन कौशल स्किल टेस्ट का आपको 20%, अनुभव का 10%, और प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 5 वर्ष के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। और इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और ये 22 मार्च तक है, ये 2022 तक। और एक मुश्त पेमेंट है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और जाति के जो आपके 10वीं 12वीं जाति ये सबका आपको छाया प्रति यहाँ पे मार्कशीट का लगाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपये की डीडी बनवानी पड़ेगी, और डीडी जो रहेगा जिला शिक्षा स्वास्थ्य समिति बीजापुर के नाम से रहेगा, तभी आपको एप्लीकेशन कर पाएंगे। एक से अधिक पोस्ट पर पृथक पृथक आपको डीडी बनाना है, अलग अलग डीडी बनाना है अलग अलग पोस्ट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में लिखी हुई है, अवकाश के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है आप लोगों का, यहाँ पे नाम, पता, उम्र, सब कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं 15/10/2021 से 20/10/2021 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल मेन रोड बीजापुर में यहाँ पे परीक्षा तिथि 24 है, और उसके बाद यहाँ पे 10 से 10:30 तक परीक्षा का समय है, रविवार का दिन है। स्टाफ नर्स की परीक्षा 24/10/2021 को आयोजित की जाएगी। तो ये सारा कुछ पढ़ लेंगे आप लोग। उसी तरीके से हम अगर दुर्ग की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, और यहाँ पे आप लोगों को 20 तारीख तक यहाँ पे एप्लीकेशन करने हैं स्वामी आत्मानंद
सॉरी स्वामी विवेकानंद सभागार पद्मापुर केंद्रीय जेल के सामने निर्धारित प्रपत्र में आप उपस्थित होकर 20/10/2021 को एप्लीकेशन कर सकते हैं 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में। देन उसके बाद पात्र पात्र की सूची 23 को आएगी। देन आप दावा आपत्ति 25 को, देन 28 को यहाँ पे निराकरण किया जाएगा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स के प्रोसेस चलेंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, नर्सिंग स्टाफ के 31 पोस्ट हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। ANM के 2 हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के 1 हैं, लैब टेक्नी असिस्टेंट के 1 पोस्ट हैं। और इस यहाँ पे सैलरी मेंशन किया हुआ है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पिछले यहाँ पर आप लोगों के ज़िले में बताया बीजापुर में, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। और यहाँ पे काउंसलर के पोस्ट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हाउसकीपिंग के हैं 8 पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड के 4 पोस्ट हैं, सेक्रेटरी असिस्टेंट के 1 पोस्ट हैं। तो काफ़ी मात्रा में वैकेंसीज़ है, यहाँ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो आप लोग चेक कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। देख सकते हैं 1 से 10 होने पर आपको 10 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, 11 से 50 होने पे 5 गुना, 50 से अधिक आवेदन होने पे 3 गुना। और यहाँ पे क्या क्या आवेदन के साथ आपको लगाना है, 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर, आपके जीवित काउंसिल पंजीयन जो भी है, आपका रजिस्ट्रेशन है आपका, उसके बाद रोजगार पंजीयन, तो सारा कुछ आपको प्रमाण पत्र लगा कर DD बनवा कर आपको सबमिट करना है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से आपका वेटेज रहेगा और चयन प्रक्रिया का 20 आपके अनुभव, उसके बाद 60% आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं नियम और शर्तें लिखी हुई, तो इसको आप लोग अप्लाई करने से पहले देख लेंगे, बना लेंगे। और ये किस तरीके से यहाँ पे आपके जो मानदेय या सैलरीज होंगी उसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे DD बनवाने का यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शुल्क बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिक्योरिटी NRHM फंड दुर्ग के नाम से आपको DD बनवा कर जमा करना है। तो आप लोग इसको अप्लाई करने से पहले एक बार केयरफुली पढ़ लेंगे PDF को और ये वैकेंसी का डिटेल। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।